लोगों की डायमेंशन की काफ होगी क्योंकि बचपन से नहीं पढ़ी इतनी, और इंटर में तो बस एक दो डायमेंशन, वो भी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में मेजर मैड में ही डायमेंशन होती है, वो भी पारी हो रही की तरह डायमेंशन हो रही है, यहाँ डायमेंशन ही मान लो मैं पढ़नी पड़ती है। देखो अब जो मैंने बात की थी एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का। चार्ज की डायमेंशन होती है एटी, चूँकि स्क्वायर है इसलिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन फोर्स, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो एल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस टू ऊपर जाके प्लस होगा ए स्क्वायर टी फोर, एम ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री। ये आ गई किसकी डायमेंशन? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और गौर से देखो जो हमारी किसकी डायमेंशन आई थी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटर एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, वो इसके बिल्कुल अपोजिट आई थी। देखो उसमें एम एल थ्री प्लस में था, यहाँ एम और एल माइनस में, वहाँ पे क्या था टी माइनस फोर था, यहाँ टी प्लस फोर है, ए माइनस टू था ए प्लस टू है, और होना भी चाहिए क्योंकि और से देखो यूनिट अपोजिट है, वहाँ यूनिट था न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ यूनिट क्या है? कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बार बार ये एग्जांपल देता भी रहता हूँ कि देखो रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल किसकी होती है? रेजिस्टेंस के। तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन प्लस में है वो रेजिस्टिविटी में माइनस में हो जाएंगी, और जो रेजिस्टेंस की माइनस में वो रेजिस्टिविटी की प्लस में हो जाएगी, सीधी साधी जब भी रेसिप्रोकल होगा। हाँ अब एक बात और, एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन होगी नहीं, याद रहे दो रेशो का जब कभी यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन नहीं होती, जिस चीज़ का यूनिट नहीं उसकी डायमेंशन। ठीक है जी, और डायमेंशन के टॉपिक को अलग से तो मैं बार बार कराते रहता हूँ, तो डोंट वरी, बार बार रिपीट करता हूँ।